हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं दिव्या और दिव्या दुनिया आपका स्वागत है। वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप सब अच्छे होंगे। आप सबकी दुआओं से हम लोग भी ठीक हैं। तो देख के आप समझ गए होंगे ये ब्लॉग पूरा मतलब जैसे कि बिरला मंदिर का है, तो ये भोपाल सिटी का बिरला मंदिर है और यहाँ पे ना मतलब मेरे सास ससुर घूमने गए हुए हैं। तो बस मैं आपको बिरला मंदिर दिखाती हूँ आपको। और यहाँ पे ये ओनिद और उसके दादा दादी बैठ गए हैं और ये देखिए कितनी अच्छी ग्रीनरी हो रखी है, मतलब बहुत अच्छा लगता है देखने से, मतलब काफ़ी सुकून मिलता है। और ये देखिए कितना अच्छा मंदिर भी दिख रहा है यहाँ से। तो यहाँ पे ना मंदिर के सामने जो कुछ स्पेस था ना वही है। और यहाँ पे नल वगैरह पानी वगैरह की सुविधा भी है बाहर पे। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम मम्मी पापा को बिरला मंदिर घुमाने के लिए आए। चलिए तो फिर मिलते हैं और आपको दिखाते हैं भोपाल का बिरला मंदिर कैसा है। और फ्रेंड ये देखिए ओनिद को, ये ओनिद कहीं भी चला एक जगह टिक के नहीं रहता, इसलिए तो इतना दुबला पतला है। मतलब उसको मतलब उसके पैर हाथ रुके नहीं रहते, कुछ ना कुछ मस्ती चलेगी। और उसके दादा दादी भी पीछे आ रहे हैं। और ये देखिए कितनी ग्रीनरी है, कितनी मतलब कितनी अच्छे से कटिंग है ये पेड़ पौधों की, कितना अच्छा लग रहा है। आप लोग खुद देख के समझ गए होंगे। और ऊपर से दिखाते हैं हम आपको, कुछ ऐसा लग रहा है ऊपर से ऐसा व्यू आ रहा था कुछ। और ये मंदिर की मतलब पहले इस साइड वाला गेट भी खुला रहता था, बट अब जो मतलब कोरोना के बाद से जो लॉकडाउन हुआ था उसके बाद से वो वाला गेट नहीं खुलता है, कभी खुलता है शायद नहीं खुलता होगा। तो हम दो बार गए हैं, तो दो बार में एक भी बार नहीं खुला था। तो मैं मतलब दिखाती हूँ, ये वाला सामने वाला गेट है यही खुलता है, तो यहीं से जाते हैं अंदर। तो यही था। और यहाँ पे मेरी सासू माँ आ रही हैं धीरे धीरे चल के, क्योंकि मतलब अभी ज़्यादा नहीं चल पाती हैं, वो बुज़ुर्ग हो गई हैं, मतलब तेज़ नहीं चल पाती हैं, हाँफी आने लगती है उनको। तो यही था। और ये देखिए सामने से दिखाती हूँ मंदिर, कुछ ऐसा लग रहा है पूरा मंदिर कितना सुंदर लग रहा है। और वैसे भी और पहले भी मतलब ये बिरला मंदिर वाली वीडियो डाल चुकी हूँ, अगर आप लोग देखना चाहें तो देख सकते हैं। तो यही था। और यहाँ से मैं दिखाते हैं हम आपको, ये देखिए यहाँ पे छोटे छोटे भी मंदिर बने हुए हैं और ये साइड में है, कितना ग्रीन ग्रीन है, एकदम पार्क जैसी फीलिंग आ रही है। और ये चले गए हैं मेरे ससुर जी मंदिर के अंदर, और ओनिद भी पहुँच गया है। ओनिद बोल रहा है कि मुझे मतलब घंटी बजानी है, तो मेरे ससुर जी ना उसको गोद में लेके घंटी बजवा रहे हैं, मतलब काफ़ी लाडला है। वैसे हर नाती पोते ही रहते हैं दादा दादी नाना नानी के लाडले, ओनिद भी है बहुत ज़्यादा है, दादा का बहुत ज़्यादा लाडला है उसके, मतलब कुछ भी कर दे उसके दादा को कभी गुस्सा नहीं आता है। हम लोग गुस्सा करते हैं तो बस हम कोई बोलते हैं मत डांटा करो, बस इतना दुबला पतला है मत कुछ बोला करो, मतलब मत कुछ कहा करो, यही बोलते हैं। और ये देखिए मैं दिखाती हूँ आपको, ये छोटे छोटे मंदिर हैं। ओनिद ने इशारा कर रहा था उन्हीं से, तो बोल रहा था कि मुझे ना इसमें गुप्तदान डालना है, तो बोल रहा था वहाँ चलो वहाँ पे गुप्तदान डालना है। तो फिर मतलब उसको पापा से बोलता है उसके, पापा मुझे पैसे दे दो, तो यही सब बता रहा था वो। और ये मैं आपको दिखाती हूँ पूरा मंदिर, मतलब मंदिर के सामने का व्यू कुछ ऐसा है। यहाँ पे ना ये पानी भरा रहता है और ओनिद की उसका कुंदी अभी भी चल ही रही है, मतलब मानता नहीं उसको, जितना मना करो उतना कुछ ना कुछ करता ही रहेगा, आप लोग को कुछ ना कुछ देखने को मिल ही जाएगा। और ये बोल रहा था ओनिद कि वहाँ चलो वहाँ भी पैर पड़ेंगे, तो जो मतलब दोनों साइड की छोटी छोटी सी मंदिर हैं तो उनके भी दर्शन कर लेते हैं ये लोग। तो बस यही था। और यहाँ पे ये देवी जी का मंदिर था और सामने था एक मंदिर छोटा सा ही, तो वो भी दिखाते हैं हम आपको। और बस दर्शन हो गए थे, तो अब पीछे वाला पूरा दिखा देते हैं, पूरा मंदिर दिखाते हैं हम आपको। तो मतलब मंदिर के पीछे साइड बताते हैं, ये देखिए ये मतलब ऐसे परिक्रमा करते हुए जाते हैं ना, तो पूरा मतलब पूरा राउंड राउंड जो भी पड़ता है वो सब दिखाते हैं। यहाँ पे परिक्रमा कर रहे थे, तो ये मंदिर की पीछे साइड का है जो बैक साइड का। और ओनिद को देखिए, आप देख सकते हैं मंदिर भी फैल हो जाएंगे ओनिद के आगे, तो मतलब उसकी यही चलते रहते हैं। और मतलब मेरे सास ससुर अपनी पूजा पाठ में लगे हुए थे ध्यान में, और वो अपने ही खेल में लगा हुआ थे। मैं दिखाती हूँ मंदिर की पूरी ऊंचाई कुछ ऐसी है इस तरीके की। तो ये देखिए यहाँ से और पूरा मंदिर दिखेगा। और यहाँ पे ना ये फ़ोटो मतलब वीडियो बना रहे थे, लेकिन ये मतलब मेरे सास ससुर ने समझा कि फ़ोटो खींच रहे हैं, तो कुछ ऐसे बैठ गए, ऐसे खड़े हो गए हैं। और ये दिखाती हूँ यहाँ से व्यू, पूरा भोपाल दिखता है। ये दिखाती हूँ मैं आपको, पहाड़ी पे बना हुआ है, जैसे कि जो पहाड़ी से नीचे नीचे वाले घर हैं, तो वो मतलब कुछ ऐसा व्यू आता है।
तो यही था। और आप सब लोग सोच रहे हो कि मैं कहाँ हूँ अनवी, मैं नहीं दिख रहे हैं, तो हाँ मैं अनवी, हम लोग नहीं गए थे, मतलब हम घर पे ही रुके थे कि मैंने बोला बाइक पे इतने लोग तो बनते नहीं वैसे भी, और हमने बोला कि मतलब हम तो कभी भी जा सकते हैं, मतलब इनको ही घुमा लाओ, बहुत मतलब कम जाने आने का मतलब उनका मन होता है कहीं भी, तो वही बोल रहे थे। और यहाँ पे ये दिखाती हूँ मैं मूर्तियाँ, और ये मूर्तियाँ ना अलग अलग मतलब जिलों से लाई गई हैं, और यहाँ पे लिखा भी हुआ है जौन सी मूर्ति जहाँ से भी आई गई है ना वहाँ पे लिखा हुआ है। तो यही था, ये मूर्ति संग्रहालय है। तो कुछ ये देखिए छोटे छोटे जो शब्द हैं उनमें लिखा हुआ था, और ये कुछ मूर्ति खंडित वगैरह भी हो गई हैं, पहले की हैं, काफ़ी पुराना प्राचीन मंदिर है ये। तो यही था, और औरत की मस्ती चलती ही रहती है। तो बस यही सब कुछ था। और ये देखिए यहाँ पे कितना अच्छा, मतलब बच्चों के लिए वैसे भी मतलब खेल, अब बड़ों का ही मन हो जाता है तो बच्चों का मन तो करेगा ही, काफ़ी अच्छा मतलब था, ग्रीनरी स्पेस तो मतलब कम ही मिलता है बच्चों को, इतना स्पेस खेलने के लिए शांति कम ही मिलती है, तो इसलिए बच्चों का मन भी करता है। और बस इनकी पूजा पाठ हो गई थी, मतलब जो भी करना था तो वो हो गया था, और अब यहाँ से मतलब बस जाएंगे। तो ये देखिए मतलब ये मतलब मंदिर से बाहर आते टाइम ना यहाँ से गए थे, वहीं से मैं एक बार और दिखा देती हूँ आपको मंदिर का पूरा लुक कुछ ऐसा है। तो बस यहीं तक की थी वीडियो, अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी ऐसे डेली वीडियो ब्लॉग मिलते रहें, और नई वीडियो का इंतज़ार कीजिए।